आप, ये जो तू का शब्द है पाली का शब्द है, तुम भी पाली का शब्द है, आप नहीं है। आप पाली में कहीं नहीं मिलता, पुरानी भाषा में आप शब्द नहीं है। तू का मतलब एक व्यक्ति होता है और तुम का मतलब बहुत सारे व्यक्ति, जो आज के समय में बोला जाता है। उस समय ये तू के बहुत सारे वचन थे जो तुम्हें में आते हैं, तुम्हा में आते हैं, तुम्ही में आते हैं, ऐसे बनते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो हरियाणा के अंदर, यानी के जो अरिय यान है, अरिय का मतलब जहां श्रेष्ठ ज्ञान है, अरिय यान यानी हरियाणा, हरियाणा, उसके अंदर जो बाप और बेटा अगर बात करते हैं तो वो तू कह के बात करते हैं। तू कित जा रहा है, तू कित आ रहा है, कित हांड रहा है, कित हांड रही है। और अगर वो किसी बाहर वाले व्यक्ति को भी बात करते हैं तो तू कह के ही बात करते हैं। और के भाई तू कित जा रहा है, के हाल चाल है तेरे, के कर रहा है तू, ये बातें किसी जो बाहर के और जो लोग हैं जो तू का इस्तेमाल नहीं करते, या जिनके माइंड के अंदर, मन के अंदर ये भरा हुआ है कि तू बहुत ज्यादा बेइज्जती वाला शब्द है, ये हमें तू कह के बात कर रहा है, वहां झगड़ा भी हो जाता है। तूने हमको तू कैसे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू कहने की, तू तड़ाक करके चलता है, यानी तू तड़ाक करके बात कर रहा है। पाली के अंदर पुरानी भाषा में तीन स्तर नहीं थे। तीन स्तर का मतलब है कि गुलाम की भाषा अलग और राजा की भाषा अलग और बीच वाले आदमी की भाषा अलग। बाहर के जो लोग घुसपैठिए भारत में आए, उन्होंने अपने आप को ऊपर रखने के लिए भाषा में भी स्तर बना दिए, भाषा की भी उन्होंने श्रेणियां बना दी, भाषा भी ऊंच नीच कर दी। अगर भाषा ऊंच नीच नहीं होगी तो फिर आप कैसे ये जाहिर करेंगे कि मैं बड़ा और कोई छोटा, या मैं छोटा और कोई बड़ा। यानी बोलने के अंदाज से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सामाजिक तरीके से नीचे बनाया हुआ है और कौन सामाजिक तरीके से ऊपर उठा हुआ है या बनाया हुआ है। यानी भाषा बोलते ही अगर आप किसी को तू कह के बोलते हैं तो इसका मतलब वो आपसे दबा हुआ है, या तो उम्र में दबा हुआ है, या आपसे ज्ञान में दबा हुआ है, या आपसे कर्जे में दबा हुआ है, या वो गरीब है, या वो कमजोर है, या उसकी श्रेणी सामाजिक रूप से कमजोर बना रखी है, या उसको जबरदस्ती छोटा करने के लिए तू बोला जा रहा है। आप अगर देखेंगे और ध्यान देंगे तो पुराने समय में या पिक्चरों के अंदर भी या आज भी, अगर एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और वो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां ये श्रेणी ऊंच नीच की बहुत ज्यादा चलती है, जहां अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं वो लोग और बाकी लोगों को नीचा, तो वो अपने छोटे से बच्चे को भी आप क्या के बोलते हैं, आप कहां गए थे, आप कहां आए। यानी छोटा है उम्र में, 80 साल की बूढ़ी औरत भी होगी या बूढ़ा आदमी भी होगा तो वो 5 साल 6 साल के बच्चे को भी आप कह के बोलता है। यानी कि दूध मुआ जो बच्चा होता है 6 महीने का, उसे भी आप कह के संबोधित करते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। और जो उसको खिलाने वाली आया है, या जो उसको ले जाने वाला ड्राइवर है, या जो उसको ले जाने वाला नौकर है, या जो उसको ले जाने वाला कर्मचारी है, या जो उसको ले जाने वाला कोई और व्यक्ति है जो उसके आसपास है, जो उनके परिवार का नहीं है, उसको उस बच्चे के सामने तू कह के बोलते हैं, या बहुत ज्यादा तुम कह के बोलेंगे। तू कह के बोलेंगे, तू गाड़ी निकाल ला, तू खाना लिया, तू कहाँ गई थी, तू मर गई थी, तू जिंदा थी, तेरे को अकल नहीं है, बच्चा गिरा देगी तू, गाली भी साथ में बक देते हैं। तो बच्चे को तो पता नहीं कि आपका मतलब क्या है और तू का मतलब क्या है, छोटा है, मगर बच्चा अपने घर वालों को आप कह के बोलता है और उसको तू कह के बोलता है। और अगर कभी वो आप कह के बोलता भी है उसको, तो घर वाले टोक देते हैं कि इसको आप नहीं बोलना है, इसको तू कह के बोलना है, तुम कह के बोलना है। बच्चे को तब समझ में नहीं आती, मगर बच्चे के दिमाग में ये सेटिंग, ये सेट, ये डाला जाता है, सेट किया जाता है, सेटल किया जाता है, स्थापित किया जाता है कि जो हमसे नीचे या हमारे नौकर या हमारे स्लेव हैं, वो मनुष्य बेशक हैं या नहीं है, मगर उनको इज्जत नहीं देनी है, उनको तू ही कह के बात करना है। वो छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, 6 साल का 8 साल का 10 साल का, और कहीं मार्केट में जाता है तो रिक्शे वाले को भी तू कह के बोलता है, चाहे वो कितने बूढ़ा है, ठेले वाले को भी तू कह के बोलता है, जो दुकानदार अगर लड़का है उसको भी तू कह के बोलता है। यानी उसको सीखते सीखते ये समझ में आ जाता है कि किसको तू कह के बात करनी है, किसको तुम कह के बात करनी है, किसको आप कह के बात करनी है। और ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर तू कह के जिसको बोला जाता है वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, और वो उस कमजोरी के तहत में विरोध नहीं कर पाता, और बराबर की कभी सोचेगा भी नहीं। अगर लेबर काम कर रही है कहीं, तो लेबर का जो सुपरवाइजर है या जो ठेकेदार है, वो हमेशा उसको तू कह के ही बात करेगा,
और खूब बड़ी बड़ी गाली पकेगा, जबकि बिना लेबर के एक ईंट रखी नहीं जा सकती, एक मंज नहीं बन सकती, एक पैसा नहीं कमा सकता। फैक्ट्री के अंदर भी लेबर को तू ही कह के बात करते हैं सर। जितने भी ये लोग काम करते हैं, ड्राइवर हैं या लेबर हैं या जो इस तरह का काम करते हैं, उन सबको तू कह के बात करते हैं। ये जो तीन स्तर की भाषा है, यानी तू, तुम और आप, ये बहुत बाद में विकसित हुई और ये अभी तक भी भारत में मेंटेन है, जबकि पुराने समय में, बुद्ध के समय में ये बात नहीं थी। बुद्ध के समय में आप शब्द था नहीं, और जिसको बोलते थे नाम लेके बोलते थे। बुद्ध तो जिसको बोलते थे भंते ही बोलते थे, यानी कि अपने भिक्खु को वो भंते ही कह के बोलते थे, और जो भंते आपस में एक दूसरे को बोलते थे वो भंते या भिक्खु कह के बात करते थे। तो वहां तू या तुम या आपका कोई सिस्टम उस भाषा में कहीं दिखाई देता नहीं। ये बहुत बाद में जाके शब्द हुए हैं, जिसमें आया शब्द और अरे शब्द या आए शब्द जोड़े गए हैं, या जो भाड़क और माड़क थे उनके भाड़ू और गाड़ू करके नाम बनाए गए। भाड़क उसको बोलते हैं जो धम्म को पढ़ाने वाले लोग होते थे, और गड़क उनको बोलते हैं जो गणना करते थे, मुंशी होते थे और जिनका ध्यान रखते थे कि क्या बोला क्या सुना। उनको बाद में गाली बनाया, भड़क का भाड़ू बना दिया और गड़क का गाड़ू। और अये का जो अये शब्द था, अये का मतलब होता था कि किसी को संबोधित करते थे तो अये बराबर का शब्द होता था, अये क्या कर रहे हैं, या महिला को संबोधित करते थे तो अया क्या कर रहे हैं। अये और अया ये बिल्कुल बराबर के शब्द थे, इनमें कोई छोटा बड़ा था नहीं। बहुत ज्यादा अगर कहीं बाद में जब ये प्रथा बनी जिसमें कोई राजा प्रसन्नजी जैसा हो और वो नीचे वाले किसी अपने को बोले तो उसको भड़े कह के बोलता था। भड़े भड़े शब्द आज भी महाराष्ट्र में चलता है। वो नीचे वाले जो लोग हैं उनको भड़े कह के बोलता था, जो पद में छोटे और नीचे होते थे। राजा को ये कहने का अधिकार था, ये राजा ही बोलता था भड़े। तो ये जो शब्द के स्तर बनाए गए और जो शब्द के अंदर जाति और भाषा के अंदर जो जाति बनाई गई है, ये जातियों के सिस्टम को या शोषण के सिस्टम को, ये मनोवैज्ञानिक रूप से जो गुलाम बनाने का सिस्टम है उसको मेंटेन किया गया है। आपने कभी ध्यान इसको दिया नहीं है। जो कोई अगर अच्छी पैंट कभी पहन के रिक्शे में बैठे और रिक्शे वाला अगर उसको तू कह के बात कर दे तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसकी तो जैसे जायदाद लूट ली, जैसे उसका कत्ल कर दिया, उसको तो लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को अगर तू के बदले तू कह दे तो मामला बिगड़ गया, बराबरी पे कैसे आ गया। तू हमें ढो बस और हम तुझे तू भी कहेंगे और तुझे गाली भी कहेंगे और फटा हुआ नोट भी देंगे और 15 की जगह 10 रुपए देंगे। ये मानसिक गुलामी बनाने की व्यवस्था भारत के अंदर, भाषा के अंदर, बोलचाल के अंदर बहुत गहन रूप से बसी हुई है, बसाई हुई है, मेंटेन की हुई है, की जा रही है। जो बच्चा जिसको बचपन से ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि तुझे किसको तू कहना है, किसको तुम कहना है, वो बाद में इसको अधिकार और राइट बना लेता है, उसका बन जाता है, प्रैक्टिस करते करते उसकी आदत में आ जाता है, फिर वो ऐसे ही बात करता है। बिहार से जो लेबर आती है, बिहार से सारी लेबर पूरे देश में काम करती है, पंजाब के खेतों में काम करती है, गुजरात की इंडस्ट्री में काम करती है, महाराष्ट्र के होटलों में काम करती है, दिल्ली की ये सारे के सारे जितने काम उनमें काम करती है, बिना लेबर के काम नहीं चलता, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, चाहे बिहार की है, चाहे बंगाल की है। पर उसको कोई इज्जत से नहीं बोलता, उसको तू कह के ही बात करते हैं सर, जबकि वो आप और तुम कह के बात करता है। इस सिस्टम को तोड़ना चाहिए और भगवान बुद्ध के पुराने सिस्टम को लेके आना चाहिए, जहां समता का सबको बराबर अधिकार है और बोलने में भी है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक व्यूवर ने कहा कि आप सबसे पहले अंबेडकर जी बोलिए। मैं अंबेडकर के दुश्मन वीडियो बना रहा हूं तो मेरी भाषा को बात करने में अंबेडकर और अंबेडकर जी, कई बार मैं बुद्ध को बुद्ध करता है और बुद्ध करते हैं बोलता हूं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बुद्ध करता है इसका मतलब एक बुद्ध करता है, और अगर बुद्ध करते हैं इसका मतलब बहुत सारे बुद्ध करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो अंबेडकर करता है और अंबेडकर करते हैं, अगर अंबेडकर करते हैं बोलेंगे तो इसका मतलब बहुत सारे अंबेडकर करते हैं, और अंबेडकर करता है इसका मतलब अंबेडकर एक है जो करता है। पर है क्या कि हम उस सिस्टम को सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, जो सिस्टम हमारा नहीं है भाषा में इज्जत बेइज्जती वाला, वही हम अपनाए हुए हैं। हम सामने वाले से ये कहते हैं कि तुम हमें आप बोलो और तुम बोलो और तमीज से बोलो, जी बोलो और बहुवचन में बोलो। बहुवचन का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप वे क्या कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल बंदा है वो अपने आप को हम क्या के बात करता है, हम वहां जाएंगे, हम वहां आएंगे। वो ये नहीं कहता कि मैं वहां जाऊंगा या मैं वहां आऊंगा, हम वहां ये करेंगे, हम वहां वो करेंगे। एक व्यक्ति सामने खड़ा होगा तो उसे बहुवचन बोलना पड़ता है, वे आ रहे हैं। वो ये नहीं कहता कि वह आ रहा है, वे आ रहे हैं, यानी कि बहुवचन में बोलने से इज्जत मिलती है। ये इसलिए एक डेलीमा, इसलिए एक परसेप्शन बनाया गया क्योंकि सामने वाले एक व्यक्ति को हमेशा ज्यादा समझा जाए।
अब आप इसका मनोविज्ञान समझिए। अगर हम ये कहेंगे वह आ रहा है तो हमारे मन में एक बल आएगा कि अकेला आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर हम ये कहेंगे कि वे आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे बेशक हमें दिखाई नहीं दे रहे मगर बहुत लोग हैं, उनसे हमें डरना है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारे सारे जो तीन स्तर हैं ये मेरे लिए हैं, यानी कि मैं जो तुम है और तुम्हारा है और तू है या आप है, यानी तू आप और तुम, इसमें तीन स्तर हैं। अगर मैं या हम में आप देखोगे या वे में देखोगे या वह में देखोगे तो उसमें स्तर नहीं है। यानी कि अगर समूह में कोई व्यक्ति आता है, जैसे आप लोग बहुत सारे समूह में ग्रुप में खड़े हुए हैं, फिर वो कहेगा कि ये लोग आए, अब तमीज से बोलेगा क्योंकि ग्रुप है, ये लोग आए। अगर हम बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो तमीज से बोला जाएगा कि हम लोग ये करेंगे, अब ये तमीज हो गई और ये तहजीब हो गई। मगर मैं अकेला हूं तो उसको फिर कोई भी आदमी तू कह के बोल सकता है, मगर अगर बहुत सारे हैं तो वे कह के बोलेगा, ये सब कह के बोलेगा, फिर तमीज से बोलेगा। ये भाषा का चरित्र है, ये भाषा का मनोविज्ञान है, ये भाषा का पूरा सिस्टम है, इसको समझिए। इसलिए अगर आप किसी को तू बोलते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो तू बोल के बात करे, बराबरता रहे। और अगर आप किसी को आप बोलते हैं तो कोशिश करिए कि वो आप कह के बात करे। अगर सामने वाला आपको आप कह के बात नहीं कर रहा है तो उसके लेवल पे आ जाइए, तुम पे या तू पे आ जाइए। ये इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक बार एक व्यक्ति, मैं पहली बार एक किसी व्यक्ति से मिला, वो किसी दफ्तर में काम करता था, तो वहां उसने मुझे तू कह के बात की, तू क्या है और कहां से आया है, तू किससे आया है। मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि हमारे यहां तू कह के बात सिखाई नहीं हमें, तू हमारे यहां ऐसा लगता है जैसे गाली हो। वो हरियाणा का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जो जहां वो काम करता था उसके अफसर के पास गया और मैंने उसको घंटी मार के बुलवाया। वो आया, मैंने कहा अब जो तुम मुझे वहां बोल रहे थे अब बोल के दिखाओ। कहने लगा कि मैं आपको क्या बोल रहा था जी। तो मैंने कहा कि आप मुझे तू कह के बात कर रहे थे, अब आप कह के बात कर रहे हो अपने अफसर के आगे, अब कहो ना और अपने अफसर से जरा तू करके बात करो। तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वहां तो मामला सुलट गया क्योंकि मेरी इंसल्ट हुई, मुझे लगा तू क्या इंसल्ट हुई है। मगर बाद में जब मैंने इसको सोचा और समझा और जाना तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था, क्योंकि वो पुरानी भाषा में तू करके ही बात करते हैं। आप वाली जो भाषा है ये बहुत नई भाषा है, ये भाषा है अमीरों की, गरीबों की, ऊंचे लोगों की, छोटे लोगों की, गुलाम लोगों की, मालिक लोगों की, जो किसी का शोषण करते हैं और शोषण करने वाला होता है उन लोगों की। इसलिए इस भाषा के उपयोग से बचें, और या तो अगर सामने कोई तू बोलता है तो आप बिल्कुल सीधे बिल्कुल तू पे आ जाएं, थोड़ी हिम्मत रखें, थोड़ी समझ रखें, तुम बोलता है तो तुम पे आ जाएं, बेशक अपनी तरफ से शुरुआत ना करें, उसकी तरफ से आने दें, आप अगर बोलता है तो आप पे आ जाएं। धन्यवाद। Shut up.